नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। कोविड-19 के दृष्टिगत गाजीपुर जिला कलेक्ट्रेट में बनाए गए कोरोना कंट्रोल रूम का मंगलवार को जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने होम क्वारंटाइन किए गए मरीजों की जानकारी ली और संख्या पूछी। इस पर बताया गया कि अब तक 296 मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने होम क्वारंटाइन मरीजों से दूरभाष के माध्यम से प्रतिदिन संपर्क करते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने तथा उनकी पूरी फीडबैक लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ परिवार का एक व्यक्ति अटेंडेंट के रूप में मौजूद रहे, उसके पास पीपीई किट, मास्क व सैनिटाइजर अवश्य रहे तथा परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप, होम आइसोलेशन ऐप अवश्य डाउनलोड करे। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति को भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का 100% पालन करना होगा, अन्यथा पालन ना करने वाले व्यक्ति को जबरन L1 अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजीपुर जमानिया कोतवाली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ ही कर्मियों में उत्साह दिखाई दिया। पर्व से एक दिन पूर्व मंगलवार को युद्ध स्तर पर पर्व की तैयारी होती रही। मंदिर की साफ सफाई के साथ ही रंगाई पुताई के साथ मंदिर की सजावट का कार्य कोतवाल राजीव कुमार सिंह की देखरेख में चलता रहा। गाजीपुर जमनिया कोतवाली पुलिस ने सोमवार की देर शाम क्षेत्र के कस्बा बाजार में स्थित बुद्धिपुर कब्रिस्तान से 16 मवेशियों को बरामद किया। साथ ही इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार की देर शाम मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के कस्बा बाजार में स्थित बुद्धिपुर कब्रिस्तान में पशु तस्करों ने 16 मवेशियों को बांध कर रखा है, जिसे बिहार ले जाने वाले हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक संतोष कुमार, हमराह अभिजीत कुमार, बलवंत सिंह, रत्नेश कुमार के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस पर नजर पड़ते ही वहां मौजूद तस्कर भागना चाहे, लेकिन पुलिस ने घेरेबंदी कर उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में तस्कर ने अपना नाम बुद्धिपुर कस्बा बाजार निवासी इब्राम उर्फ मखनचू बताया। 16 मवेशियों को कब्जे में ले लिया गया, संबंधित धाराओं में अभियुक्त का चालान कर दिया गया है। गाजीपुर के दुल्लापुर थाना क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व काफी उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर थाने में स्थित मंदिर को भी फूल माला के साथ बिजली के झालरों से सजाया गया था। महिला पुलिस कर्मियों अंबालिका, अंशु सिंह, सीमा चौधरी, संध्या गुप्ता, रंजना सिंह, अभय द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई थी, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के मद्देनजर जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने मंगलवार को राइफल क्लब में बैठक की। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन 14 व 15 अगस्त की रात प्रहर में ऐतिहासिक महत्व के शासकीय अर्धशासकीय भवनों, कार्यालयों तथा वीर अब्दुल हमीद स्मारक ग्राम धामुपुर एवं शहीद स्मारक मोहम्मदाबाद के आसपास साफ सफाई व्यवस्था एवं प्रकाशमान किए जाने का निर्देश संबंधितों को दिया। कहा कि सरकारी तथा गैर सरकारी एवं शैक्षिक कार्यालयों पर सुबह 8 बजे गुलाब की पंखुड़ियां बांधकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग तथा सरकार की गाइडलाइंस का पालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।